आज लेकर आए हैं वेट लॉस करने का सबसे बेहतर व हेल्दी ऑप्शन मूंग दाल दलिया, जिसे हम बनाएंगे सर्दियों की सीजनल सब्जियों से, जिससे हमारा पेट भी भरेगा और वजन भी कम होगा। तो इसे बनाने के लिए कुछ सब्जियों को बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे लिया फूल गोभी, इसे बारीक चॉप करेंगे। तो इसे बनाने में आधा कप दलिया का यूज करेंगे व 3 गुना सब्जियों व दाल का यूज करेंगे। यदि और भी तेज़ी से वजन कम करना चाहते हैं तो थोड़ी एक्सरसाइज तो बनती है। ईश्वर से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे सेहत के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो अब ले लेते हैं शिमला मिर्च और इसे भी बारीक काट कर तैयार करेंगे। अब ले लेते हैं गाजर, इसे भी बारीक काट कर तैयार करेंगे। अब ले लेते हैं एक प्याज और इसे भी बारीक काट कर तैयार करेंगे। तो अब ले लेते हैं टमाटर और इसे भी बारीक काट लेंगे। तो अब हम काट लेते हैं हरा धनिया और हरी मिर्च। तो हमारी सभी सब्जियां कटकर तैयार हैं। ये सारी सब्जियां तेजी से वजन कम करने में जादू का काम करेंगी। तो चलिए अब दलिया बनाना शुरू करते हैं। तो ये दलिया बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें डाल देते हैं करीब 2 चम्मच ऑलिव ऑयल। तो हमारा ऑयल हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं प्याज और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तो प्याज तो भूनकर तैयार है, इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो टमाटर को जल्दी से पकाने के लिए इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच सेंधा नमक और इसे मिक्स कर देंगे। ये दलिया इतना हेल्दी है, इसे आप छोटे बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं। तो टमाटर तो हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी की सब्जियां। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप हरी मटर, बारीक कटा हुआ फूल गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और सभी सब्जियों को 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पे हम लाल मिर्च का यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 कप गेहूँ का दलिया और 1/2 कप भीगी हुई मूंग दाल। अब सभी चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सभी सब्जियां बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो यहाँ पे हमने 1 कप दलिया बनाने के लिए 2.5 कप पानी का यूज किया है। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। तो दलिया को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। तो दलिया हमारा पूरी तरह से पककर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करेंगे। इसको थोड़ा सा और हेल्दी व टेस्टी बनाने के लिए इस पे डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं किसी वेट लॉस रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।